हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज हम लोग पढ़ेंगे जीएस पेपर 4। एथिक्स का पेपर है जो बहुत इजी वे में, काफ़ी सारे टॉपिक्स इसके मैंने अपने चैनल पे कवर कर लिए हैं। आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं, निष्पक्षता तथा गैर तरफदारी। इसके बारे में हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या टॉपिक हम कवर कर सकते हैं, इसमें क्या सब टॉपिक्स बन सकते हैं और आंसर हमें किस अकॉर्डिंग लिखना है, मतलब कि जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग हम कैसे लिख सकते हैं, क्या क्या इसमें पढ़ सकते हैं। और ये UPSC एज वेल एज UPSC मीन्स 2019 जो होगा उसके लिए इतना ही इम्पॉर्टेंट है। और ये MPPSC में भी आता है जो कि एथिक्स के पेपर नंबर 4 है। चलिए हम शुरू करते हैं आगे अपना एथिक्स का पेपर। और हमारा पूरा लेक्चर देखना मत भूलिएगा, क्योंकि फिर आपको बीच बीच में चीज़ें छूट जाती हैं और कमेंट करके फिर आप लोग पूछते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि मैं पूरा लेक्चर में एक एक वर्ड की मीनिंग आपको समझाती हुई चलती हूँ। तो हम लोग कर रहे थे अभिवृत्ति। अभिवृत्ति में हमने इसमें फर्स्ट पॉइंट जो था ये अंतःवस्तु, इसमें संरचना, कार्य, विचार, आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव और संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और सहमति पैदा करना, ये सब हमने कर लिया था। आप हमारे इसके प्लेलिस्ट देख सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसमें आप ये पूरे वीडियोस देख सकते हैं हमारे, जिसने अभी तक नहीं देखा हो। सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, ये भी हम कर चुके हैं। सत्यनिष्ठा, ये भी हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे निष्पक्षता तथा गैर तरफदारी। और ज़्यादा नहीं, इसमें 3-4 टॉपिक्स और बचे हैं और ये कम्प्लीट होते ही हमारे ये वाला पोर्शन कम्प्लीट हो जाएगा। और जल्द से जल्द फिर मैं आगे और एथिक्स की वीडियोस में लेकर आऊँगी। तो सिविल सेवा के लिए जो भी निष्पक्षता और गैर तरफदारी की ज़रूरत क्यों होती है और उसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम देखेंगे। और जो व्यूवर्स हमारे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि निष्पक्षता के बारे में हम देखेंगे। इसमें निष्पक्षता अलग होती है और गैर तरफदारी अलग होती है, दोनों की मीनिंग में अलग अलग आपको बताऊंगी कि ये होता क्या चीज़ है, इसकी हमें आवश्यकता क्यों है, हम इसे लोक प्रशासन में क्यों पढ़ें और इसकी ज़रूरत क्या है हमारे प्रशासन में, इसके बारे में देखेंगे। इसके कारण क्या है, कारण मीन्स कि अगर निष्पक्षता नहीं होती है या गैर तरफदारी नहीं होती है तो इसके रीजन्स क्या क्या होते हैं, किस वजह से हमारे में अंदर पक्षपात आ जाता है, इसके रीजन्स देखेंगे। और प्रशासन में इसको बनाए रखने के लिए सुझाव क्या क्या हम दे सकते हैं या सरकार की तरफ से दिए जा सकते हैं, वो भी इसमें हम देखेंगे। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले निष्पक्षता, जैसे आपने जो भी आप सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा होगा, एक सिंबल बना होता है कोर्ट्स में, एक सिंबल बना होता है तराजू का और आंख बंद की हुई महिला का, उसका मतलब ये होता है कि जो हम लोग न्याय करेंगे वो बिल्कुल निष्पक्ष होगा, पक्षपात रहित होगा। तो ये न्याय का सिद्धांत होता है, मतलब कि निष्पक्षता का जो पहला सिद्धांत होता है वो होता है न्याय का सिद्धांत, क्योंकि हर एक में इक्वलिटी की भावना से न्याय को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। इसका अर्थ हम इस से भी समझ सकते हैं कि निर्णयकर्ता जो भी निर्णय लेता है सिर्फ वस्तुनिष्ठ कारणों को आधार बनाकर, जो भी उसके सामने एविडेंस होता है उसको आधार बनाकर ही निर्णय किया जाना चाहिए। उसके कोई भी पूर्वाग्रह, मतलब कि पहले से ही प्रिडिक्ट की हुई, उसके दिमाग में बैठी हुई कोई भी धारणा हो उसके आधार पर नहीं होना चाहिए। हित या मूल्य के कारण पहले से ही किसी पक्ष के प्रति समर्थन, मतलब कि कोई उसका फायदा हो रहा हो किसी पक्ष के प्रति हित करने से, चाहे वो गलत भी क्यों ना हो, तो ये नहीं होना चाहिए। और अगर उस पक्ष का वो अहित कर देता है तो उसको उसमें खुशी मिलती है, तो वो भी उसके अंदर नहीं होना चाहिए। मीन्स कि निष्पक्षता का मतलब है बिना भेदभाव के, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना पक्षपात किए हुए अपना निर्णय देना, न्याय करना ही निष्पक्षता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ये जो मैंने पूरे अच्छे से समझा दिया आपको कि किसी पूर्वाग्रह, हित या मूल्य के कारण किसी पक्ष के प्रति समर्थन या विरोध की मुद्रा नहीं होनी चाहिए, इसका अर्थ ये होता है कि हम पहले से किसी व्यक्ति की, आमुख व्यक्ति ऐसा है, उसने ऐसा किया या उसका नेचर ऐसा है,
वो ज्यादा कमाता नहीं है, इस हिसाब से जो भी हमारे अंदर मूल्य होते हैं उसके लिए हम पहले से कोई भी धारणा नहीं बना के रखनी चाहिए, क्योंकि इससे फिर निष्पक्षता बाधित होती है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आए तो मैं आपको इसे और भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि निष्पक्षता के दो पक्ष होते हैं, इसमें दो पक्ष सम्मिलित होते हैं निष्पक्षता को आधार मानने के। एक तो ये होता है कि जिस व्यक्ति से हम संबंधित होते हैं, जिसे हम पसंद करते हैं, तो उसे हम अवैध रूप से कोई लाभ ना दें, या फिर जिसे हम ना पसंद करते हैं उसे अवैध रूप से कोई हानि ना पहुंचाए। ये मेन मतलब टू द पॉइंट अगर बात कही जाए तो ये कही जाएगी, अगर हमारा कोई फेवरेट व्यक्ति है तो उसे अवैध रूप से हम कोई भी लाभ ना दें, वो निष्पक्षता कहलाती है। और अगर किसी व्यक्ति को हम पसंद नहीं करते हैं, ना पसंद करते हैं, तो उसे अवैध रूप से कोई भी हानि ना पहुंचाए, ये निष्पक्षता के अंडर में आता है। इसका एक और पक्ष होता है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पक्ष है जो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जरूरी होता है कि निष्पक्षता जब भी साबित की जाए तो अपने पसंद या अपने निकट के जो व्यक्ति है उसके प्रति भी अन्याय नहीं करना चाहिए। मैं इसको एक एग्जाम्पल से आपके समझाती हूँ। मान लीजिए कि एक स्कूल में एक बच्चे के फादर एज अ टीचर काम करते हैं, तो अब उसकी कॉपी, फादर हैं बच्चे के तो उसके प्रति जुड़ाव बहुत ज़्यादा होगा उसका, बच्चे का फादर से। तो फादर के पास अगर कॉपी चेक करने को आती है उस बच्चे की, और अगर वो फादर निष्पक्ष है तो वो अपनी निष्पक्षता साबित करने के लिए ये भी कर सकता है कि लोगों को लगे कि, अगर मान लो कि मैं इसमें एक प्रॉपर सटीक मैं बताती हूँ कि अगर वो उत्तर पुस्तिका जांच रहा है, मतलब कि उसे चेक कर रहा है, और उसकी बेटी की अगर पुस्तिका उसके अंदर है और एक्चुअल में उसकी बेटी उस क्लास में सेकंड पोजीशन पर आ रही है, तो अगर निष्पक्षता के आधार पर देखा जाए या नॉर्मल कंडीशंस देखी जाए तो कंडीशन तीन बन सकती हैं। पहली कंडीशन होगी कि अगर वो निष्पक्ष व्यक्ति नहीं है तो वो अपनी बेटी के अंक बढ़ा देगा ताकि वो पहले सेकंड पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन पर आ जाए। तो इसे हम पक्षपात कहेंगे, निष्पक्षता नहीं कहेंगे, ये पहली कंडीशन है। सेकंड इसमें कंडीशन हो सकती है कि अगर वो टीचर उस अपनी बेटी के मार्क्स बढ़ा देता है तो लोगों को लगे ना कि उसने जानबूझ के अपनी बेटी को सेकंड पोजीशन पे लाए हैं, अपनी निष्पक्षता को प्रमाणित करने के लिए वो अपनी बेटी के अंक कम कर सकता है ताकि उसका स्थान पांचवा या छठा हो जाए। मीन्स कि वो सेकंड पोजीशन पे आ ही रही है, लेकिन उसे लगेगा कि लोग ये ना सोचे कि मेरी बेटी है, मैंने ही इसे सेकंड पोजीशन पे दिया है, इसलिए वो और उसके मार्क्स कम कर देगा ताकि वो फिफ्थ या सिक्स पोजीशन पर आ जाए। तो ये भी पक्षपात कहा जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति खुद को निष्पक्ष दिखाने के लिए अपने किसी निकटतम व्यक्ति का नुकसान करता है, तो ये भी पक्षपात ही कहलाएगा, निष्पक्षता नहीं कहलाएगी। आपको इससे समझ में आ गया होगा। तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो उस व्यक्ति का जो निर्णय होना चाहिए उसको ये बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए कि मेरी बेटी क्या आ रही है, उसको निष्पक्ष होके पेपर चेक करना चाहिए, और उसको सेकंड पोजीशन अगर आ रही है तो सेकंड ही पोजीशन देनी चाहिए। तो ये निर्णय होगा निष्पक्षता का। अब अगर इसकी हम बात करें तो कभी कभार जो पक्षपात होता है वो सामाजिक अगर हित कहीं है तो वहाँ पर जरूरी हो जाता है। कभी कभार पक्षपात सामाजिक हित में हो सकता है, परंतु ये किसी विशेष व्यक्ति के हित में नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल समाज के ही हित में होना चाहिए। इसके लिए हम देख सकते हैं कि जैसे आरक्षण की नीति लागू हुई है, ये भी सामाजिक पक्षपात के आधार पर ही लागू हुई है, क्योंकि इसमें किसी विशेष वर्ग को किसी किसी विशेष सुविधा का लाभ हो रहा है, लेकिन ये सामाजिक आधार पर इसको माना गया है क्योंकि समाज के हित में है। तो समाज के हित में थोड़ा बहुत पक्षपात वांछनीय माना जाता है, मतलब कि इसको अपना लिया जाता है। तो इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं आरक्षण की नीति का। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं गैर तरफदारी की, या फिर असमर्थक वादी की, या राजनीतिक निष्पक्षता की। ये तीनों नाम इसी के ही हैं, गैर तरफदारी के। तो इसका जो सिंपल मीनिंग होता है उसका अर्थ होता है कि किसी भी दल विशेष से जुड़ा हुआ ना होना,
और अगर हम इसको विस्तृत रूप में देखें तो किसी विशेष दल की सदस्यता ना लेना, इसमें ये भी शामिल हो सकता है कि लोक सेवक किसी विशेष दल के प्रति निष्ठा का भाव ना रखें, वे सभी दलों के साथ इक्वल बिहेव करें, तटस्थ होकर राजनीति जो नीतियां हैं राजनीति की वो लागू करने का प्रयास करें, ये ना देखें कि ये किसी पर्टिकुलर दल का है। यहाँ गैर तरफदारी में विशेषता हम दल की ही बात करेंगे। तो यहाँ पर होता है असमर्थकवादी, मतलब किसी एक पर्टिकुलर राजनीति के प्रति या जैसे शासन में जिसका ऊंचा ओहदा है उसके प्रति झुकाव ना होना, उससे जुड़ाव ना होना और सबको इक्वल देखना, सरकारी नीतियों का इक्वेलिटी से डिस्ट्रीब्यूशन करना, यहाँ हम कह सकते हैं इसे गैर तरफदारी। यहाँ पर राजनीति जो निष्पक्षता था इसका जो मूल्य का विकास करने के लिए सर्वप्रथम ब्रिटेन में ही इसका उद्भव हुआ था। गैर तरफदारी की जो आरंभ है वो ब्रिटेन में हुआ था। वहाँ पे दो जो राजनीतिक पार्टियाँ थी वो बारी बारी से सत्ता में आती थी, इसलिए ऐसे नौकरशाही की उस समय वहाँ पे ज़रूरत पड़ने लगी जो दोनों के साथ काम कर सके। जब एक पार्टी सत्ता में हो तब वो उसके साथ काम कर सके और दूसरी हो तो उसके साथ, मतलब किसी एक विशेष दल के प्रति जुड़ाव ना हो वहाँ पर। मैक्स वेबर ने भी इसी समय तटस्थता नौ नौकरशाही की अवधारणा मैक्स वेबर ने भी दी थी। अब इसी तरह अब जो अब के हालात हैं उस समय उसमें गैर तरफदारी बिल्कुल भी अब वांछित नहीं रह गई है। बहुत ज़्यादा होता है कि जो सिविल सेवक होते हैं, जो भी राजनीतिक दल आता है सत्ता में, वो उसके प्रति ही काम करने लगते हैं, उससे उनका विशेष जुड़ाव होता है क्योंकि उनसे उनका हित जुड़ा होता है। इस प्रकार सरकार से जुड़े हुए दल की कोई विशेष विचारधारा हो और किसी सिविल सेवक की जो है विचारधारा बिल्कुल विपरीत हो तो इस परिस्थिति में उससे अपेक्षा की जाती है कि वो किसी भी विचारधारा से प्रभावित हुए बिना अपने परामर्शों से ईमानदारी और तटस्थता बरते, मतलब कि उसे अपने जो भी विचारधारा है उसको भी बीच में नहीं लेकर आना है और जो भी सरकार है उसकी विशेष जो विचारधारा है उसको भी बीच में नहीं लेकर आना है, बस उसे निष्पक्षता से, तटस्थता से, ईमानदारी से अपना काम करते रहना है। तो यहाँ पर आपको होप समझ में आ गया होगा कि निष्पक्षता क्या होती है और गैर तरफदारी क्या होती है। अब हम इसमें बात करेंगे निष्पक्षता और गैर तरफदारी की आवश्यकता क्यों होती है। तो बहुत ही इजी पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं पूरा। मैं बस यहाँ पर आपको पॉइंटर्स दे देती हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन करने में आसानी हो। तो सबसे इसमें पहला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है नौकरशाही की कार्य कुशलता के लिए, मतलब कि किसी भी जब राजनीतिक विचारधारा के प्रति जो भी तटस्थता बनाए रखा जाता है जब सिविल सेवकों द्वारा, तो फिर जो भी सिविल सेवक होता है वो अपनी कार्य कुशलता से काम करता है, वो किसी भी दबाव से हट के काम करता है, उसके ऊपर किसी चीज़ का कोई दबाव नहीं होता कि तुम्हें इस प्रकार से ही काम करना है, जैसे सरकारी नीतियाँ होती है वैसे ही वो उसका उपयोग करता है। सेकंड इसमें है सिविल सेवक नीतियों के वांछित परिणाम के लिए, क्योंकि जो भी नौकरशाह होता है उसका अस्तित्व निरंतर बना रहता है, और लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, कभी कोई पार्टी होती है कभी कोई दल आता आता है सरकार में, लेकिन जो सिविल सेवक होता है वो लगातार उसी ढर्रे पे अपना काम करता रहता है, तो राजनीतिक जो तटस्थता है वो बनाए रखने ही, उसको बनाए रखकर ही सिविल सेवक की जो नीतियां हैं उसके परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। थर्ड इसमें पॉइंट है सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए, मतलब कि ये तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि अगर निष्पक्षता पूर्वक व्यवहार किया जाएगा, गैर तरफदारी पूर्वक व्यवहार किया जाएगा, तो जितने भी लोग हैं जिनको सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, सरकारी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, उन सभी को सुनिश्चित न्याय प्राप्त हो सकेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए। ऑब्वियस है अगर निष्पक्षता होगी, गैर तरफदारी होगी, पक्षपात नहीं होगा किसी के लिए, तो भ्रष्टाचार को तो नामो निशानी समाज से मिट जाएगा, बट ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन हाँ, पेजेस भरने के लिए ये सब काम करना पड़ेगा, हम लोग को पढ़ना पड़ेगा ये चीज़। तो भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए
निष्पक्षता और तटस्थता, गैर तरफदारी, ये सब चीज़ों की अवधारणाओं की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जनता का प्रशासन पर विश्वास बनाए रखने के लिए। अगर जनता को पता होगा कि ये पर्टिकुलर जो सिविल सेवक है या पर्टिकुलर जो नौकरशाह है वो किसी के प्रति भेदभाव नहीं करता, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है सरकारी योजनाओं के अंदर जो भी पैसा आ रहा है, जो भी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं उसको भेदभाव नहीं करता है वो किसी में कि जो ऊंचे पद पे है उसको दे और नीचे को ना दे, ऐसा कुछ नहीं है, तो जनता का विश्वास जो है प्रशासन में बढ़ेगा और वो अपना विश्वास बनाए रखे, फिर उसी हिसाब से अगर जनता का विश्वास बढ़ेगा तो प्रशासन भी सुचारू रूप से चलने लगेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें जो पॉइंट्स है वो है संवैधानिक उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए। संविधान के क्या उद्देश्य होते हैं? कि प्रशासन उचित रूप से कार्य करे, हमारा जो नौकरशाह है वो उचित रूप से कार्य करे, सरकारी योजनाओं का डिस्ट्रीब्यूशन हो वो एक समान हो, सभी स्तरों पे समान हो, चाहे वो केंद्रीय स्तर पे हो, राज्य स्तर पे हो या नगर निगम के स्तर पे हो, हर जगह समान रूप से कार्य हो, और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना एक मेन उद्देश्य होता है संवैधानिक उद्देश्य की श्रेणी में, तो इन सब चीज़ों को पूर्ण करने के लिए तटस्थता, गैर तरफदारी या फिर हम बात करें निष्पक्षता, इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आपको होप ये समझ में आ गया होगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आज हमने बात की कि निष्पक्षता क्या होती है, गैर तरफदारी क्या होती है और प्रशासन में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके ऊपर हमने बात की। तो होप आपको आज की वीडियो हमारी समझ में आ गई होगी, पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। Thank you. Thanks for watching.